जब भी इस तरह का इंटरनेशनल फिल्म स्कूल होता है वर्ल्ड में कहीं नहीं है किसी, और हम लकी हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा स्कूल है वेस्टर्न वुड्स, जिसमें टोटल डेडिकेशन से बच्चों को फिल्म्स, कल्चर, सिनेमा, टेलीविज़न सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने फेस्टिवल्स खुद ही मैनेज करें, क्रिएट करें, सोचें। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल जब इन्होंने सिनेमा 100 शुरू किया था और बहुत ज़ोर शोर से मनाया गया था, 7 दिन का उससे फेस्टिवल था वो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने इतना इन्जॉय किया कि बाद में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने आके कहा कि सर हम ये फेस्टिवल हर साल मनाना चाहते हैं इस कैंपस में, क्योंकि इससे हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, हमें बहुत पुरानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब के बारे में मालूम पड़ता है, सिनेमा के बारे में। तो ये फेस्टिवल हम हर साल मनाना चाहते हैं। I think not just with students, obviously, what's a great thing about celebrate cinema is that we're not just cinema lovers, so the interaction was very, very, I must say, interesting. I ended up just talking to my mom, and I look forward to celebrating. Subhash ji ke saath bahut purana rishta hai, Muktar se mera bahut purana rishta hai, aur maine bahut si unki filmon mein gaya hai. जब उनकी तरफ से ये बुलावा आया तो मैं हाजिर हुई। बहुत अच्छा लगा, और हम तो सुभाष घई जी की फिल्म्स देख देख के बड़े हुए कॉलेज और स्कूल में, और उनकी जो फिल्म के गीत हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन मुझे दी है जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। बहुत बहुत अच्छा लगा, और यू नो पीपल लाइक अलका याग्निक जी जिनको हमने हमेशा सुना है और जिनके गीत सुन सुन के यू नो हमने यू नो इंस्पायर हुए हैं, और तो बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन था स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, एंड इट वॉज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रेट सिनेमा, आज बहुत ही ख़ास दिन है, और कहते हैं कि म्यूज़िक पैनल्स बहुत कम होते हैं डिस्कशंस में, और सबसे पहली दफ़ा आई थिंक हमारी लाइफ में भी सुभाष घई जी इज़ अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इंसाइटफुल पैनल किया म्यूज़िक का, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक हिम। सुभाष जी के साथ हमारा बरसों से एसोसिएशन रहा हमारी फैमिलीज़ का, और आई वर्कड विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन परदेस जब मैं बच्ची थी, और उस वक्त बच्चों के लिए गाती थी फिल्में, तो तब से हमारा 97 से एसोसिएशन रहा है, और अभी ब्लैक एंड वाइट, इकबाल, और काफ़ी उनकी अभी की फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला है उनके साथ। सो आई रियली थैंक हिम, इट्स अ ह्यूज ऑनर टू बी हियर। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, हमें भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे, एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक ही इज़ डूइंग अमेजिंगली फॉर ऑल ऑफ अस जो सीखना चाहते हैं सिनेमा के बारे में।